उसी गांव की युवती का स्वर है। अवश्य किसी भटके हुए राही को प्रवृत्त करने के लिए गा रही है। ये चंद्रमुखी कभी नहीं हो सकती। इस तरह से नेत्र फाड़ फाड़ करके क्या देख रहे हो शिष्य? यदि तुम हमारी शरण में नहीं आते तो क्या तुम्हें इस मायावी जंगल में कभी इतना सुमधुर गीत सुनने का अवसर प्राप्त होता नहीं ना? वो क्या है ना कि ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। मैं उस गीत गाने वाली सुंदर युवती को पहले देख चुका हूँ, पहचान लिया गुरुदेव। मैंने उस गीत गाने वाली सुंदर युवती के स्वर को कदाचित पहचान लिया। लगता है अवश्य तुम पर इस जंगल के किसी मायावी शक्ति ने प्रभाव डाला, अन्यथा तुम हमारे साथ ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करते। नहीं गुरुदेव, मुझ पर किसी मायावी शक्ति का प्रभाव नहीं है। मैं कदाचित तो कह रहा हूँ गुरुदेव कि मैं इस गीत गाने वाली सुंदर युवती से पहले दिख चुका हूँ। नहीं नहीं, अभी तू मेरे हल्का पुरी युगान महाराज भानु प्रताप सिंह बीच को देख चुके हैं। यदि अवश्य ही तुम पर किसी मारी शक्ति ने अपना प्रभाव नहीं डाला है, तुम अपने मस्तिष्क में हमारे विरुद्ध कोई चाल सोच रहे हो। और यदि संभव है कि तुम हमें भ्रमित करके इस जंगल से कहीं दूर भाग जाना चाहते हो, तो याद रखो यदि तुम हमें इस जंगल में छोड़ करके चले गए तो इस जंगल के प्राणी तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे, मर जाओगे तुम। मेरे गुरुदेव, ऐसी अच्छी बातें अपने मुख से मत निकालिए गुरुदेव। अब आपके सिवाय इस संसार में मेरा है एक और गुरुदेव। यदि आपने मेरे साथ इस प्रकार किया तो मैं रूपनगर और रूपनगर की लाज तुम्हारी को देखे बिना ही परलोक जिता जाऊंगा। यदि तुमने हमसे सत्य नहीं कहा तो हम तुम्हें नर्क के दावा नल में चलने के लिए गए। अभी इस समय में शिष्य तुम हमारे सम्मुख अपने बोल को स्वीकार कर लो और हमसे कह दो कि तुमने अभी भी हमसे जो कुछ भी कहा था वो असत्य था। साथ में ये भी कहो कि अभी तुमने जिस युवती का मधुर गीत सुना था उससे तुम परिचित नहीं हो। अब यही तो मैं नहीं कह सकता गुरुदेव, कदम भी नहीं कह सकता गुरुदेव। अभी अभी जिस युवती को आपने गीत गाते हुए सुना है वो यही कहीं आस पास के गांव की रहने वाली। मुझे लगता है उसने तो अपना नाम भी बताया। क्या नाम कहा था उसने? कलावती। गुरुदेव उसका नाम कलावती है। तुम कलावती को जानते हो? तो कैसे कितने बार मैं आपको इतने गुरुदेव कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं और मेरे भूतपूर्व स्वामी भानु प्रताप सिंह इस युवती से गाना गाते गाते पथ पर इसी प्रकार। गुरुदेव वो जितनी ऊपर से दिखने में सुंदर है उतने ही भीतर से चतुर। गुरुदेव मैं उससे अधिक बात नहीं की। अब इससे अधिक मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता गुरुदेव, क्योंकि मैं बहुत सक्कर चूर हो चुका हूँ गुरुदेव, सक्कर चूर हो चुका हूँ। इसका तात्पर्य होगा कि कालावती अभी तक जीवित है और इसी जंगल में कहीं डेरा डाले होंगे। यदि ये सत्य है तो मुझे तत्काल कालावती की खोज करनी होगी।
यहाँ मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहा है गुरुदेव? इंदर बख्शियों के लिए मैं भी आ रहा हूँ गुरुदेव। मैं इस प्रकार आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव रुकिए, अरे रुकिए गुरुदेव। वहाँ पर सिंह है, भालू है, चीते है, अरे नरबक्षी है, अरे आपको खा देंगे। अरे आप घबराइए मत गुरुदेव, मैं आपको बचा लूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। जादूगर विचित्र सिंह ही नहीं, जादूगर विचित्र सिंह, अभी अभी जो मधुर गीत तुमने सुना था, उस गीत को गाने वाला कंठ राजकुमारी चंद्रमुखी का ही हो सकता है। राजकुमारी चंद्रमुखी के सिवा दूसरा कोई भी इतना मधुर गीत गा ही नहीं सकता, परंतु राजकुमारी चंद्रमुखी गाते गाते अचानक रुक क्यों गई? हाँ, इसी दिशा से गीत की ध्वनि आ रही थी। राजकुमारी चंद्रमुखी हमें इसी दिशा में अवश्य प्राप्त होगी। राजकुमारी, यदि राजकुमारी चंद्रमुखी इस मायावी जंगल में आती तो हमारी सेविका कुसुमी हमें उसकी सूचना पहले ही अवश्य दे देती। किंतु कुसुमी की ओर से अभी तक हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस मायावी जंगल में गीत गाने वाली ये अज्ञात युवती कोई और ही है। कौन कौन हो सकती है वो जिसने हमारे मन के भीतर खलबली मचा दी है? इसका पता लगाने के लिए निरंतर हमें उसे ढूंढना होगा। इसी दिशा में देखते हैं, इस मायावी जंगल में हमारी आज्ञा के बिना किसने इतना दुस्साहस किया जो गीत गा सके। अवश्य रूपनगर की राजकुमारी चंद्रमुखी है, क्योंकि इस भयानक जंगल में एक राजकुमारी को ही इतना सम्मान मिल सकता है। आप ठीक सोच रहे हैं नृत्य सम्राट, वो राजकुमारी चंद्रमुखी ही थी। आप हैं? हाँ नृत्य सम्राट, जिस मधुर संगीत को सुनकर आप यहां तक चले आए हैं वही मधुर संगीत हमें भी खींचकर यहां तक ले आया है। सच कहता हूं, आज अनेकों वर्षों के पश्चात हमें पुनः ये गीत सुनाई दिया है। और मैंने भी इतना मधुर संगीत अपने जीवन में पहली बार सुना है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत की देवी खुद राजकुमारी चंद्रमुखी के कंठ में सुना दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नृत्य सम्राट, किंतु राजकुमारी चंद्रमुखी तो अपने महल की ओर लौट चुकी है। आप उसके निकट जाकर उससे मिले क्यों नहीं? मैं चंद्रमुखी से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसके समीप नहीं गया। आप क्या कह रहे हैं नृत्य सम्राट, हमें विश्वास नहीं हो रहा। कहीं हमारे कानों को कुछ भ्रम तो नहीं हो रहा? जिस राजकुमारी चंद्रमुखी को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, आप उससे नहीं मिलना चाहते, परंतु क्यों? ये हम आपको बताना उचित नहीं समझते। हमारा उद्देश्य चंद्रमुखी को पाना नहीं है। आश्चर्य, खूब आश्चर्य दैत्य सम्राट। संसार के सभी राजा महाराजा जो भी इस मायावी पथ पर आते हैं,
का पात्र एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य, राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करना। परंतु आप किसी और ही उद्देश्य से आए हैं। यदि आप इस दास का निवेदन स्वीकार करें तो एक बार चंद्रमुखी के विषय में अवश्य ही विचार करें। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी एक झलक पाते ही राजकुमारी चंद्रमुखी आप पर मोहित हो जाएगी। क्षमा कीजिए बाबा, मैं अपनी दूर चंद्रमुखी को पाने नहीं आया बल्कि उस फूल को पाने आया इसके लिए मैंने अपनी माँ को वचन दिया था। उस फूल को पाने के पश्चात मैं अपनी माँ के पास वापस लौट जाऊंगा। जो कुछ भी कहा था वो सोना आने सत्य था। सत्य तो ये है कि पहले केवल तुम्हारे पिता कुंदनलाल की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, किंतु अब दुष्ट देवा के सोचने और समझने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए उसने महारानी जी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का ऐसा घृणित कार्य किया और इसका दंड अवश्य उसे भुगतना होगा। मेरा क्या सुन रहे हो देवधर बाबा, गाँव वाले तो ये कह रहे थे कि महारानी आपके साथ भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आप तो मेरे बापू पर ही दोष लगा रहे हैं। मैं समझ गई, आप अपने बचाव के लिए मेरे बापू और देवा दोनों पर दोष थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जब मेरे बापू ने गांव वालों को सत्य बताने की कोशिश की तब उनके बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब तो देवा को भी आपके प्रेम प्रसंगों का पता चल गया है। अब देखती हूँ गाँव वाले कैसे मेरे बापू की बातों पर यकीन नहीं करते। अब आप दोनों की बहुत शीघ्र खुलने वाली है।